बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र एचयूआईटी हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। एचयूआईटी हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बुधवार की देर रात की है, जब युवक के सर में गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। मृत युवक की पहचान सिवान जिला के गुठरी थाना क्षेत्र के बरपलिया निवासी देवेंद्र भगत के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि चंदन कुमार बुधवार की रात करीब 8 बजे गुठनी चौराहे से अपनी बहन और माँ को लेकर अपने घर बरपलिया जा रहा था, तभी पीछे से आए बाइक पर सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया और उसके सर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे लेकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की क्रियाकलापों से आक्रोशित लोगों ने गुठनी दरौली मुख्य मार्ग पर बरपलिया गांव के समीप सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि घटना करीब रात 8 बजे की है। इसके बाद पुलिस रात करीब 12 बजे आई। वहीं सुबह 4 बजे शव को पोस्टमार्टम कराकर लाया गया। अब पुलिस आकर कह रही है कि जल्दी से शव का अंतिम संस्कार कर दीजिए। लोग काफी आक्रोशित है, लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बेखौफ अपराधी लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल लोगों ने दरौली गुठनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो। वही प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच दरौली के विधायक सत्यदेव राम भी पहुंचे हुए हैं, जो आक्रोशित लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां चंदन की हत्या के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों ने दरौली गुठनी मुख्य मार्ग को बरपलिया गाँव के समीप जाम कर दिया है। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, जहां सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बुधवार की देर रात की है, जब युवक के सर में गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। मृत युवक की पहचान सिवान जिला के गुठरी थाना क्षेत्र के बरपलिया निवासी देवेंद्र भगत के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि चंदन कुमार बुधवार की रात करीब 8 बजे गुठनी चौराहे से अपनी बहन और माँ को लेकर अपने घर बरपलिया जा रहा था, तभी पीछे से आए बाइक पर सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया और उसके सर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे लेकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस की क्रियाकलापों से आक्रोशित लोगों ने गुठनी दरौली मुख्य मार्ग पर बरपलिया गांव के समीप सड़क जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि घटना करीब रात 8 बजे की है। इसके बाद पुलिस रात करीब 12 बजे आई। वहीं सुबह 4 बजे शव को पोस्टमार्टम कराकर लाया गया। अब पुलिस आकर कह रही है कि जल्दी से शव का अंतिम संस्कार कर दीजिए। लोग काफी आक्रोशित है, लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बेखौफ अपराधी लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल लोगों ने दरौली गुठनी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। लोगों का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो। वही प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच दरौली के विधायक सत्यदेव राम भी पहुंचे हुए हैं, जो आक्रोशित लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां चंदन की हत्या के बाद लोग काफी आक्रोशित है। लोगों ने दरौली गुठनी मुख्य मार्ग को बरपलिया गाँव के समीप जाम कर दिया है। गुठनी से चल करके बरपलिया के जगह पे जो रात को 8:30 बजे एक युवक की हत्या कर दी गई, जो अपने बहन और माँ को लेकर के गुठनी चौराहे से घर के लिए आ रहे थे और पीछे से आकर के उनकी गाड़ी को रोक दी गई और उनके सर पे गोली मार करके अपराधी चले गए।
विगत कुछ महीने से बौड़ी और खिरौली बरपलिया के बीच में लगातार घटनाएं हो रही है। बाइक चोरी हो, छिनैती हो, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं उच्च स्तरीय जांच हो और कौन सा अपराधी जो इस तरह घटना किया है उस अपराधी को जितना जल्दी हो गिरफ्तार किया जाए और जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, जो तमाम मोटरसाइकिल छीने जा रही हैं, उस सारे अपराधियों को पकड़ी जाए। प्रशासन की तो गाड़ी घूमता है लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, ये बहुत खेद की बात है। नीतीश कुशवाहा। 8:40 से 45 मिनट के बीच में घटना हुआ है, उसके बाद प्रशासन आई, हम लोग यहाँ पे थे काफी देर तक, 12:30 बजे तक थे, लेकिन प्रशासन नहीं आई। प्रशासन आई 1 बजे के बाद और 2 बजे तक काम अपना करके ऐसे उसे चली गई घूम करके। फिर अभी सुबह में लाश आई है 8:45 बजे प्रशासन आई 8 बजे और बोल रही है हटा दीजिए लाश, ऐसा कोई काम थोड़ी होता है। अभी दारू होता तो तुरंत पकड़ लिया होता प्रशासन, अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। नाम मेरा नाम रईस अंसारी है और जो लड़का मरा है उस चंदन है, उसका पिताजी का नाम है चंदेश देवंदर भगत जी है।